गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 वर्कशीट 4। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फ्लोइंग। हमें गिवन क्वेश्चन में सभी पार्ट्स में जो नंबर दिए गए हैं उनको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। किसी भी नंबर को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में राइट करना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ए पार्ट 78 के सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इट मींस प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में इसको राइट करेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, 39 होगा आंसर। देन 3 से डिवाइड करेंगे, 13। देन 13 से डिवाइड करेंगे, 1। बी रिमेंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। इसके लिए आपको 1 से लेकर 100 तक सभी प्राइम नंबर जो कि हमने पहले एक्टिविटी में डिस्कस किए थे लर्न होने चाहिए। अब हम 78 को राइट कर सकते हैं, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जिन प्राइम नंबर से डिवाइड किया था उन सभी को प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करें। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट बी 120 को भी हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। डिवीजन मेथड इसके लिए यूज करें, 2 से डिवाइड करेंगे 120 को, 60 आंसर रहेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30, देन 2 से डिवाइड करेंगे 15, देन 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर रहेंगे उन सभी को आप प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करेंगे। इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि 2 हमारा 3 टाइम्स प्रोडक्ट में आया है, इसीलिए हम इसको 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज 5 एज इट इज। पार्ट सी 256 को भी प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे 128, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 की प्रोडक्ट होगी। Therefore, prime factorization of 256 is product of 2 8 times, right करें, क्योंकि 2 हमारा 8 times multiply हुआ है, इसलिए इसको exponent form में भी write कर सकते हैं, that is 2 raised to the power 8, that is our required answer। Part D 84 को भी हम prime factorization में convert करेंगे। सबसे पहले 2 prime number से divide करेंगे 84 को, 42 रहेगा, फिर 2 से करेंगे 21, अब 3 से करेंगे 7 और 7 को 7 से करेंगे 1। देयरफॉर 84 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब क्योंकि 2 हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आंसर। ई पार्ट 441, 2 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 147, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 147 को, 49, देन 7 से डिवाइड करेंगे 7 एंड फाइनली 7 से डिवाइड करेंगे 1। देयरफॉर 441 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। एक्सपोनेंट फॉर्म में भी हम राइट कर सकते हैं, 2 टाइम 3 रिपीट हुआ है इसलिए इसको राइट करेंगे 3 रेज टू द पावर 2, 7 2 टाइम रिपीट हुआ है मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 2, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एफ पार्ट 240 को भी प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। 2 से करेंगे 120, देन 2 से करेंगे 60, देन 2 से करेंगे 30, देन 2 से करेंगे 15। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होता, सो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से हम डिवाइड करेंगे 5 रहेगा, फिर 5 को 5 से करेंगे 1। देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240 इज इक्वल टू
4 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब क्योंकि 2 हमारा 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आंसर जी पार्ट। जी पार्ट 2304। 2304 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 1152 बनेगा। देन 2 से डिवाइड करेंगे, 576 होगा। 576 को 2 से डिवाइड करेंगे, 288 रहेगा। 288 को 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 144। एंड 144 को 2 से करेंगे, 72। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे, 36। 36 को फिर 2 से करेंगे, 18। 18 को फिर 2 से करेंगे, 9। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होता, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे, 3। और 3 को फिर 3 से करेंगे, 1। Therefore, 2304 can be written as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times the product of 2 multiply 2 times the product of 3. Exponent form mein write karenge 2 raised to the power 8 multiply 3 raised to the power 2. Kyunki 3 2 times repeat hua hai aur 2 8 times repeat hua hai. Answer. Next. एच पार्ट 3125। प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 625। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 125। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5। एंड 5 से डिवाइड करेंगे, 1। देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125 इज इक्वल टू 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 5। एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट कर सकते हैं 5 रेज टू द पावर 5। आंसर आई पार्ट 1260। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 630। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 315। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 105। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 35। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 7। एंड 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1। Therefore, 1260 can be written as 2 times the product of 2, 2 times the product of 3 and multiply 5, multiply 7. Exponent form में भी write कर सकते हैं, 2 2 times repeat हुआ है, so we can write 2 raised to the power 2, 3 भी 2 times repeat हुआ है, multiply 3 raised to the power 2, multiply 5, multiply 7. Answer. Question number 2. राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट करना है। एज वी नो द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स 9, दैट इज 9999। नेक्स्ट एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसे हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करना है। इट मीन्स इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड कर चुके हैं। सेम वे यहां पर आप यूज करेंगे। सो डिवीजन मेथड से 9999 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3333। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 1111। अब 11 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि इससे छोटे प्राइम नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। सो 11 से डिवाइड करेंगे, 101। एंड फाइनली 101 को 101 से डिवाइड करेंगे, 1। देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9999 इज इक्वल टू 3 × 3 × 11 × 101। एक्सपोनेंट फॉर्म में भी इसे राइट कर सकते हैं हम। 3 2 टाइम्स रिपीट हुए हैं, दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101। आंसर क्वेश्चन नंबर 3। राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट करना है और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन भी फाइंड करने हैं। एज वी नो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1000। अब हम 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए डिवीजन मेथड यूज करेंगे। 1000 राइट करें और प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करेंगे।
फर्स्टली 2 से डिवाइड करेंगे 500, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 250, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 125, देन 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 1. देयरफोर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 5. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स. हमें गिवन नंबर्स को कोई भी 2 ओड प्राइम नंबर के सम में राइट करना है. ए पार्ट 18, 18 हमारा सम होता है ओड प्राइम्स के लिए 5 प्लस 13 एंड 7 प्लस 11. बी पार्ट 32, 32 को हम 2 ओड प्राइम के सम में राइट कर सकते हैं 3 प्लस 29 एंड 13 प्लस 19. सी 66, 66 को हम मैनी वे से राइट कर सकते हैं 2 ओड प्राइम के सम में 5 प्लस 61, 7 प्लस 59, 13 प्लस 53, 19 प्लस 47, 23 प्लस 43 एंड 29 प्लस 37. डी पार्ट 90 को भी हम मैनी वे से 2 ओड प्राइम्स के सम में राइट कर सकते हैं. फर्स्ट पेयर बनेगा 7 प्लस 83, 11 प्लस 79, 17 प्लस 73, 19 प्लस 71, 23 प्लस 67, 29 प्लस 61, 31 प्लस 59, 37 प्लस 53, 43 प्लस 47. इस क्वेश्चन के लिए सभी को 1 to 100 प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए. ये आप एक्टिविटी में स्टार्टिंग में ऑलरेडी कर भी चुके हैं. एंड मोर ओवर, जब भी आपको ओड प्राइम्स के सम में राइट करना हो तो आप किसी भी वन वे को यूज कर सकते हैं. इट मींस गिवन नंबर को केवल वन वे से ओड प्राइम के सम में आप राइट कर सकते हैं. कम से कम वन वे आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर के लिए, उनको 2 ओड नंबर के सम में एक्सप्रेस कैसे किया जाता है. बी रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स. अब गिवन नंबर को हमने 3 ओड प्राइम के सम में एक्सप्रेस करना है. इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 2 ओड प्राइम के सम में एक्सप्रेस किया था, यहाँ पर 3 ओड प्राइम के सम में हमने गिवन नंबर को राइट करना है, एक्सप्रेस करना है. ए पार्ट 41 को राइट कर सकते हैं हम 3 प्लस 7 प्लस 31. अनदर वे होगा 5 प्लस 7 प्लस 29. और भी बन सकते हैं काफ़ी सारे वे, 7 प्लस 11 प्लस 23, 5 प्लस 13 प्लस 23, 5 प्लस 17 प्लस 19. कोई भी वन वे में आपको गिवन नंबर एक्सप्रेस करना आना चाहिए. बी रिमेंबर. बी पार्ट 23, 5 प्लस 7 प्लस 11 एंड 3 प्लस 7 प्लस 13. सी पार्ट 75, 3 प्लस 5 प्लस 67, 3 प्लस 11 प्लस 61, 5 प्लस 11 प्लस 59, 3 प्लस 13 प्लस 59, 3 प्लस 19 प्लस 53, 5 प्लस 17 प्लस 53 एटसेट्रा. डी पार्ट 59 को भी आपने 3 ओड प्राइम नंबर्स के सम में राइट करना है. 5 प्लस 7 प्लस 47, 3 प्लस 13 प्लस 43, 7 प्लस 11 प्लस 41 एटसेट्रा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.